सोल किचन चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोल किचन में बनने जा रहा है सर्दियों में बहुत ही स्पेशल खाए जाने वाला खजूर अंजीर से बना हुआ ड्राई फ्रूट रोल, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस, मेरे वाले स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं, कुक टेस्टी, कुक स्मार्ट। आज सोल किचन में बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई बनने जा रही है, देखिए सर्दियों की स्पेशल। इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डेट लिया है खजूर, और यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा अंजीर लिया है। ये अंजीर क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए इसको मैंने एक डेढ़ घंटा पहले ये देखिए हल्के हल्के गर्म दूध में डिप करके रखा था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट हो गया है। आज हम डेट और अंजीर का ड्राई फ्रूट से भरा हुआ रोल बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप देखिए ये जो खजूर है, इसको हम इसके बीच में से हमें सीड निकालना है। ये देखिए जो इसके बीच में सीड होता है, इस तरीके से हमें इसको निकाल के एक बोल में ट्रांसफ़र करना है। इस तरीके से हम सारे खजूर के सीड को निकाल के, ये देखिए इस तरह से ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। ऐसे मार्केट में सीडलेस भी मिलता है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इन सबको सीडलेस करके एक बोल में निकालना है। अब देखिए हमने अपने सारे खजूर के सीड को अलग कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा पीसीज में कट करना है, इस तरीके से। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत इजीली कट हो जाते हैं। ये देखिए वैसे तो हम इसे ग्राइंडर में हमें ग्राइंड करना है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बीच में से कट करके, ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए हमें अपने सारे खजूरों को थोड़ा सा चॉप कर लेना है, मतलब छोटे छोटे पीसीज में कट करना है। देखिए हमने खजूर को छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है, अब इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पर हमने अंजीर लिए थे देखिए 8 से 10 दाने, अब इसको भी हम खजूर के मिक्सचर में ही देखिए इस तरीके से कट करेंगे। अगर आपके पास अंजीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना अंजीर के भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इनको खजूर को और अंजीर को मिक्स करेंगे कट करके। देखिए हमने डेट और अंजीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, देखिए इस तरीके से। और हमें इसको अब ग्राइंड करना है, लेकिन ग्राइंड करते समय आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखें कि हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, हमें इसको ड्राई ही ग्राइंड करना है। और एक बात का और ध्यान रखें कि हमें मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, हमें थोड़ा सा चलाना है, फिर रोकना है, फिर चलाना है, फिर रोकना है, और हमें इसका एक डो की तरह में हमें इसका एक मिक्सचर रेडी करना है। मैं अभी ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। बीच में रुक के आपको इसको ऊपर नीचे करना है इस तरीके से, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला, ये थोड़ा सा ड्राई है, इस वजह से इसको थोड़ा सा पीसने में टाइम लगता है। अब देखिए इसको फिर से चलाऊंगी मैं, देखिए हम इसको एक बारी चेक करेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से इसका डो रेडी होगा। ये बहुत ज़्यादा अगर आप सोचें कि ये लिक्विड हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, ये हल्का सा इस तरीके से थोड़ा सा इस फॉर्म में रहेगा। देखिए मैं आपको पूरा निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए खजूर और अंजीर का इस तरीके से मिक्सचर हमारे पास ग्राइंड करके रेडी है। अब यहाँ पर एक मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें हम अपने कुछ नट्स को कुछ ड्राई रोस्ट करेंगे और कुछ हल्का सा ऑयल या घी डाल के रोस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी कढ़ाई गर्म है, सबसे पहले हमने थोड़ा सा जो है वो खसखस लिया है, इसको हम बिल्कुल सिम पे, या सिम कर लीजिए या कढ़ाई को गर्म करके गैस के फ्लेम को बंद कर लीजिए। देखिए हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, ये बहुत जल्दी लाल हो जाता है, इसलिए हमें इसको बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनना है। इसमें मैंने घी का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए खसखस को ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी फ्राई पैन में हम थोड़ा सा बिल्कुल घी डालेंगे, ये देखिए आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और हम अपने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, ये देखिए थोड़े से बादाम है, काजू है, अखरोट है और पिस्ता है, और थोड़ा सा मेलन सीड है, ये कद्दू के सीड है, इनको हम थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट करेंगे, घी को गर्म हो जाने देंगे। ये सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे ड्राई फ्रूट जले नहीं। इस वाले रोल में ड्राई फ्रूट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, इस सीज़न में ड्राई फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। इस बहाने हमारे बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। ये देखिए इनको हल्का सा ही रोस्ट करना है हमें, और लगातार इस टाइम पर हमें कड़छी को चलाते रहना है, ताकि कहीं से कोई भी जो है हमारा काला ना पड़े। बिल्कुल हल्का सा घी डालेंगे, ये देखिए मैंने बहुत कम घी डाला है,
और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गोंद डाला है खाने वाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते या नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे जो है वो रोल का, बर्फ़ी का, कुछ भी कह लीजिए, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसको भी हम अपने ड्राई फ्रूट की प्लेट में डाल लेंगे। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा घी फिर डालेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा घी डालेंगे, आधा चम्मच। और ये जो हमारा मिक्सचर रेडी था डेट और अंजीर का, अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ऐसे देखिए इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डलता, लेकिन अगर आप सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा घी खाना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप आधे चम्मच की बजाय 1 से 1.5 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से हमें अच्छे से मैश करते हुए इसको बिल्कुल सिम पर भूनना है थोड़ी देर के लिए, 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर तक हमें इसको इस तरीके से भूनना है। अब देखिए इसे कुक करते समय 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हमने अपने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे, अब हम इसमें ये डालेंगे इस तरीके से, देखिए, और इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। अब देखिए यहाँ पर गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको अच्छे से इस तरीके से प्रेस करेंगे कि जितना भी ड्राई फ्रूट है वो सारा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसा कि आप देखिए देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट जो है वो खजूर में और अंजीर में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल बंद है। ये देखिए ये इस तरीके से इकट्ठा हो जाना चाहिए, ये देखिए। देखिए इस स्टेज पर आकर आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट सूखा वाला वो डाल सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें वाइट तिल डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोकोनट डाल दीजिए, डेसिकेटेड कोकोनट होता है, वाइट तिल डाल दीजिए, खसखस और डाल दीजिए इसके ऊपर। ये देखिए इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें खाने में बहुत हेल्दी होती हैं, इसलिए ये ही मौसम है विंटर का कि हमें ये सारी चीज़ें खुद भी खानी चाहिए और घर में बड़ों को, बच्चों को, सबको खिलानी चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी आसान लग रही है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस रेसिपी को अपने घर में एक बार तो इन विंटर्स में ज़रूर बना के देखिए। अभी देखिए ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसको एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म में इस तरीके से मैंने फॉइल लगाया है, आप चाहें तो किसी भी बोर्ड पे, किसी भी प्लेट पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने की वेट करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ठंडा चाहिए कि हम इसके रोल ईजिली बना सकें। अब देखिए 5 से 7 मिनट में ये हल्का सा ठंडा हो गया है, हाँ, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा, ये प्रॉपर रोल में नहीं आएगा। अब ये देखिए इसका इस तरीके से आप इसका रोल बना लीजिए, हाथ को हल्का सा आप ऑयल कर लगाइए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से आप ये देखिए एक लॉग की तरह आपने इसको बनाना है। आप चाहें तो अगर इस तरीके से नहीं भी बनाना चाहते तो थोड़ा सा आप इस तरीके से ये देखिए पेड़ा भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, ये देखिए जैसे ये लड्डू बन गया, या इसको इस तरीके से बनाया, ये देखिए ये ओवल में बन गया। लेकिन आज हम इसके प्रॉपर रोल बनाएंगे, इसके लिए देखिए इसको एक हम सबसे पहले लॉग की शेप देंगे, थोड़ा सा जैसे मोटा लॉग होता है, देखिए इस तरीके से दबाते जाएंगे, ये साइड से इस तरीके से हम दबाएंगे और इसको इस तरीके से रोल करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर रोल करेंगे, फिर दबाएंगे थोड़ा सा, फिर रोल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक लॉग बिल्कुल बनकर रेडी है। अब इसको हम सेट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे थोड़ी सी खसखस डालेंगे जो हमने पहले ड्राई रोस्ट करके रखी थी, थोड़ा सा हम पिस्ता डालेंगे। अब देखिए इसको हम इस तरीके से रोल करेंगे, थोड़ा सा साथ साथ हम इसको प्रेस करेंगे और रोल करते जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। यही मिठाई आपको हल्दीराम में, बीकानेर में, जो इतनी महंगी मिलती है, हमने देखिए कितनी झटपट आज इसको घर में ही बना लिया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने जितना भी प्लेटफॉर्म से अपना खसखस और वो डाला था सबको रोल कर लिया, ये देखिए। अब हम इसको सेट करने के लिए ये देखिए इसी फॉइल को हम फोल्ड करेंगे,
और इसके दोनों साइड्स को हम अच्छे से बंद कर देंगे, ये साइड और ये देखिए इस तरीके से ये साइड देखिए। और हम इसको फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अभी देखिए सेम इसी प्रोसेस से हम अपना दूसरा लॉग लेंगे, ये देखिए। अब देखिए इसको फ्रिज में सेट करके रखे हुए हमें 1.5 से 2 घंटा हो गया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। यह आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जितने मर्जी मोटे रोल कर लीजिए, पतला रोल कर लीजिए। देखिए हमारे कितने फर्स्ट क्लास, ये देखिए रोल कट के रेडी है। आप चाहें तो इसको आप डेसिकेटेड कोकोनट में भी थोड़ा सा आप उसको कोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरीके से खाइए। ये देखिए, ये देखिए, देखिए रोल हमारे सारे कट चुके हैं। अब हम इसको फॉइल से अलग करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और हम इन सभी को अब अच्छे से सर्व करेंगे। देखिए कितने ही हेल्दी हमारे डेट, अंजीर, नट्स रोल बनके रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। आप देखिए, देख सकते हैं ये बड़े बड़ी जगहों पे ये वाली जो डिश है, ये वाली जो मिठाई है बहुत कॉस्टली मिलती है। हमने इसको कितनी झटपट बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, तो इसको घर में बनाइए और विंटर्स में इसको इंजॉय कीजिए। से भरे हुए इस अंजीर और डेट के रोल की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, घर में सबको बना के खिलाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे कुछ डिलीशियस टेस्ट के साथ, कुछ डिफरेंट रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।